एक बार फिर अमेरिका ने यह सिद्ध कर दिया कि क्यों है अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और क्यों दुनिया इसके कंट्रोल में चलनी चाहिए। देखिए, सभी देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी अपनी मिलिट्री पावर और कैपेसिटी बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते कोई फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट बनाता है तो कोई फोर्थ जनरेशन का। पर अमेरिका की हाल ही में एक कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमेन ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिया है जो फोर्थ नहीं बल्कि सिक्स्थ जनरेशन का है। यह दुनिया का सबसे घातक एयरक्राफ्ट माना जा रहा है। इसी के चलते अमेरिका ने इसकी ताकत का खुलासा करते हुए बताया है कि दुनिया में कहीं भी जाकर के कभी भी बम गिरा करके आ सकता है और उस देश को इसके बारे में भनक भी नहीं पड़ेगी। दुनिया का ऐसा कोई भी रडार सिस्टम नहीं है जो इसको पकड़ सके और इसके बम बरसाने के बाद किसी को पता ही न चलेगा कि फाइटर क्राफ्ट से बम बरसा है या कोई प्राकृतिक आपदा आई है। इसको देख करके चाइना भी यह मान लिया है कि वाकई में अमेरिका ने ऐसा एक एयरक्राफ्ट बना लिया है और उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2026 तक चाइना भी इस तरह का एयरक्राफ्ट बनाकर तैयार कर देगा। रेफरेंस के लिए ये न्यूज की हेड कटिंग आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। और रूस ने भी इसी को स्वीकार करते हुए अपना बजट 60 बिलियन से बढ़ा करके डायरेक्ट 600 बिलियन कर दिया। सबसे खास बात यह है कि इसमें पायलट की भी जरूरत नहीं होती, अतः इसे ड्रोन की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। और अमेरिका ने इसे 160 की संख्या में बनाने के लिए अपनी कंपनी को ऑर्डर दिया है, जिसमें से अमेरिका ने यह बोला है कि 100 तो अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे और 60 होंगे उसके एयरलाइंस देश के लिए, जैसे जापान, साउथ कोरिया। वैसे एयरक्राफ्ट भारत को ही मिल सकता है, पर क्या भारत को इतना महंगा जो 16,000 करोड़ रुपए का है, क्या इसे खरीदना चाहिए या खुद ही डेवलपमेंट करके बनाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए।